Hello friends, I am Sonika Verma, UGC NAD educator from SLV classes. Today we are going to do some questions based on part 2 of previous question in data interpretation DI general paper 1 for NTA UGC NAD GRF. But before starting this, I wanted to say something about my YouTube channel SLV classes. If you really like my contents and videos, please like, share, comment and subscribe. And for subscription, hit the bell icon and then you will get the notification related to my latest video. And lastly, follow me on Instagram. Now guys, come to the next question. The table shows the percentage profit earned by two companies A and B during the year 2011 to 2015. Okay? यहाँ पर एक टेबल चार्ट गिवन है, उसमें क्या बता रहा है? प्रॉफिट अर्न बाय टू कंपनीज, ओके? प्रॉफिट अर्न किया जा रहा है दो कंपनी के जरिए, कंपनी ए एंड कंपनी बी. सो यहाँ पर गिवन है परसेंटेज प्रॉफिट परसेंट, ओके? ईयर है 2011 टू 2015, ओके? और कंपनी ए का परसेंट कितना है और कंपनी बी का प्रॉफिट परसेंट कितना है वो गिवन है यहाँ पर. सो यहाँ पर कुछ फॉर्मूला गिवन है, वेयर परसेंट प्रॉफिट इज इक्वल टू इनकम माइनस एक्सपेंडिचर डिवाइडेड बाई एक्सपेंडिचर इंटू 100. सो अगर परसेंट प्रॉफिट निकालना है तो हम लोगों को ये फॉर्मूला यूज करना होगा. ओके, नाउ क्वेश्चन, इफ द टोटल एक्सपेंडिचर ऑफ टू कंपनीज वॉज 9 लाख, ओके, अगर दोनों कंपनी का टोटल एक्सपेंडिचर 9 लाख है इन द ईयर 2012, यानी 2012 की बात कर रहा है, एंड दी एक्सपेंडिचर ऑफ ए एंड बी वर इन द रेशियो 2:1, और एक्सपेंडिचर जो है 9 लाख तो टोटल है लेकिन वो रेशियो ए और बी का कितना है 2:1, देन व्हाट वाज द इनकम ऑफ द कंपनी इन कंपनी ए इन दैट ईयर. सो यहाँ पर निकालना है इनकम, कंपनी ए का इनकम निकालना है 2012 में. ओके, सो नेक्स्ट स्टेप में देखेंगे कि 2012 में इनकम कितना आ रहा है कंपनी ए का. Now guys, come to the question. देखते हैं कि क्वेश्चन में क्या निकालना है हम लोगों को. इनकम निकालना है कंपनी ए का. ओके, सो पहले देखते हैं कि दोनों कंपनी का एक्सपेंडिचर कितना है. टोटल एक्सपेंडिचर ऑफ कंपनी ए एंड बी इक्वल टू 9 लाख गिवन है क्वेश्चन में, एंड रेशियो कितना है ये लोगों का 2:1 रेशियो है एक्सपेंडिचर का. ओके, सो 9 लाख को हम लोग 2:1 में डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं. सो 9 को 9 into 2/3 9 into 1/3 कर सकते हैं. ये आपका आ जाएगा कंपनी बी का और ये आपका आ जाएगा कंपनी ए का. सो 6 आ जाएगा, 6 लाख आपका कंपनी ए एंड बी आपका आ जाएगा 3 लाख, यानी कंपनी ए के पास कितना एक्सपेंडिचर है 6 लाख का और कंपनी बी के पास कितना है 3 लाख का. हम लोगों को लेकिन क्वेश्चन में बोल रहा है कि कंपनी ए का इनकम निकालना है. सो कंपनी ए का हम लोगों को एक्सपेंडिचर पता चल गया है और कंपनी ए का 35% है प्रॉफिट. सो हम लोगों को इनकम निकालना है तो एक्सपेंडिचर को रख सकते हैं वैल्यू और परसेंट प्रॉफिट का वैल्यू रखेंगे तो इनकम आ जाएगा. सो नेक्स्ट स्टेप में देखेंगे कि कैसे परसेंट प्रॉफिट निकलता है. ओके, सो एक्सपेंडिचर कितना है, एक्सपेंडिचर ऑफ कंपनी ए इक्वल टू 6 लाख. ओके, अब हम लोगों को निकालना क्या है, इनकम कंपनी ए का निकालना है. सो प्रॉफिट परसेंट प्रॉफिट इक्वल टू इनकम माइनस एक्सपेंडिचर अपॉन एक्सपेंडिचर इनटू 100 करेंगे. सो यहाँ पर प्रॉफिट परसेंट कितना है, यहाँ पे 2012 में कंपनी ए का 35%. सो राइट हियर 35 इक्वल टू इनकम नहीं मालूम, एक्सपेंडिचर कितना आ रहा है 6 डिवाइडेड बाय 6 इनटू 100 कर सकते हैं. ये 6 को यहाँ ले जाते हैं, 35 इंटू 6, ओके, डिवाइडेड बाई 100 कर सकते हैं, या यहाँ पे मल्टीप्लाई है तो यहाँ पर आ जाएगा इक्वल टू के इधर. सो डिवाइड हो जाएगा इनकम माइनस 6. सो ये 2 जीरो हटाएंगे तो यहाँ पर कर सकते हैं 0.35. ओके, सो ये आ जाएगा 2.10. ओके, 2.10 आ जाएगा इक्वल टू इनकम माइनस 6. 2.10 प्लस 6 कर सकते हैं इक्वल टू आई, ये यहाँ पर जाएगा तो प्लस हो जाएगा. सो आ जाएगा आपका 8.1
इनकम, ओके, आई इज इक्वल टू 8.1, सो इनकम आ जाएगा आपका, इनकम इज इक्वल टू 8.1 लाख. सो कंपनी ए का कितना इनकम है? 8.1 लाख आ जाएगा आंसर. ओके, नाउ गाइस कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. क्वेश्चन टू, व्हाट इज द एवरेज परसेंटेज प्रॉफिट अर्न बाय द कंपनी बी. ओके, सो यहाँ पर बताना है एवरेज परसेंटेज प्रॉफिट अर्न बाय द कंपनी बी, मतलब कंपनी बी ने कितना प्रॉफिट परसेंट अर्न किया है उसका एवरेज बताना है. सो बात हो रही है इसकी, कंपनी बी की प्रॉफिट परसेंट की. सो एवरेज निकालने के लिए सम ऑफ ऑल ऑब्जर्वेशन डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन. सो एवरेज ऑफ एवरेज परसेंट प्रॉफिट ऑफ कंपनी बी इक्वल टू 30 प्लस 40 प्लस 35 प्लस 50 प्लस 35 कर सकते हैं, इसको काउंट करेंगे 1 2 3 4 5, सो डिवाइडेड बाय 5 इक्वल टू, इसको प्लस करेंगे तो आ जाएगा 190 बाय 5, इसको सॉल्व करेंगे तो आ जाएगा 38%. ओके, सो एवरेज परसेंट प्रॉफिट ऑफ कंपनी बी कितना आ रहा है? 38%. सो आंसर हो जाएगा. नाउ गाइस कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. इन विच ईयर द परसेंटेज प्रॉफिट अर्न बाय द कंपनी बी इज लेस देन दैट ऑफ कंपनी ए. सो यहाँ पर बोल रहा है कि कौन से ईयर में परसेंटेज प्रॉफिट जो कंपनी बी ने अर्न किया है वो कम है कंपनी ए से. ओके, सो यहाँ पर देख सकते हैं कंपनी ए है एंड कंपनी बी, और यहाँ पर परसेंटेज प्रॉफिट दिया है. ओके, इन दोनों कंपनी का. सो देख सकते हैं 2011 में कंपनी ए का लेस है परसेंट कंपनी बी से, 2012 में भी 35% कंपनी ए है और बी 40% है, मतलब बी ज्यादा है और कंपनी ए कम है. 2013 में देख सकते हैं कि कंपनी ए ज्यादा हो रहा है और कंपनी बी कम हो रहा है. ओके, और यहाँ पर क्वेश्चन क्या है, इन विच ईयर द परसेंटेज प्रॉफिट अर्न बाय द कंपनी बी इज लेस देन डेट ऑफ कंपनी ए. सो यहाँ पर कंपनी बी जो है लेस है कंपनी ए से, क्योंकि कंपनी ए में 45% है और कंपनी बी में 35% है, 10% का डिफरेंस है. सो 2013 में क्या है कि कौन से ईयर में, 2013 में द परसेंटेज प्रॉफिट अर्न बाय द कंपनी बी इज लेस देन डेट ऑफ कंपनी ए. देख लेते हैं आगे क्या है. 2040 में भी कंपनी ए के पास 40 है लेकिन कंपनी बी फिर से ज्यादा है. 2015 में भी कंपनी बी ज्यादा है, सिर्फ 2013 में कंपनी बी लेस है कंपनी ए से. ओके, 10% से. सो ऑप्शन हो जाएगा 2013. ओके,